तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा बन के तैयार है फ्रेंड्स। इसका अंदर से देखिए ये कितना सॉफ्ट है, तो ये देखिए, और ऊपर से क्रंचीनेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राई पनीर मसाला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 50 ग्राम के आसपास बेसन लिया है और 1/4 चम्मच सारे मसाले लिए हैं। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच के आसपास लिया है। पनीर हमने 100 ग्राम का टुकड़ा लिया है, उसको पीसेस किया है स्क्वायर शेप में। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने, अदरक हमने 1/2 इंच के आसपास लिया है और लहसुन 4 से 5 कलियाँ, उन सबको पेस्ट करके हमने रखा है। तो अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम बेसन को डालेंगे। तो अब हम सारे मसाले को डालेंगे, इसमें नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें फ्रेंड्स। पनीर को हमने थोड़ा बड़ा पीस में रखा है, लगभग 1.5 इंच के आसपास के स्क्वायर में रखा है। तो अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। और इसका जो हम घोल तैयार करेंगे फ्रेंड्स, तो उसे हमें थोड़ी थोड़ी पानी देके इसे घोल तैयार करनी है। तो इसका जो बैटर बनेगा, तो हम ज़्यादा पतला ना रखेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच मंगरेला का प्रयोग किया है फ्रेंड्स, और उसे भी अच्छे से मिला दिया है। तो इस प्रकार से हमारा घोल तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए पनीर का शेप हमने 1.5 इंच के स्क्वायर के शेप में लिया है, 1.5 इंच के आसपास। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके पीसेस को बना सकते हैं। तो अब हम कढ़ाई लेंगे और उसे हीट करेंगे और उसमें अब हम तेल ऐड करेंगे। आप तेल यहाँ पे सरसों तेल की जगह फॉर्चून तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सारे बेसन के बैटर में पनीर को डाल दिया है और उसे इस प्रकार से बेसन लगाएंगे फ्रेंड्स इसको, ताकि ये अच्छे से बेसन इसमें लग सके और अच्छे से फ्राई हो सके। तो फ्रेंड्स इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम, हाई पे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये जल जाएगा। तो इस प्रकार से आप पनीर को बेसन में लपेट के इसमें डालें। तो ये देखिए हमारा एक तरफ पक चुका है फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल लो टू मीडियम पे पकाएंगे। ये देखिए हमारा सुनहरा हो गया एक तरफ। तो ये देखिए हमारा फाइनली अच्छे से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स इतना, ताकि हमारा जो पनीर हो उसमें भी थोड़ा सा सुनहरा रंग का कलर आ जाए, हल्का ब्राउन हो जाए पनीर। बेसन तो ब्राउन होगा ही, हमारा पनीर भी ब्राउन होना चाहिए। तो फाइनली हमारा बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा की रेसिपी। तो आप भी अपने घर पे इस प्रकार से बनाएं बिल्कुल झटपट, ये 10 से 12 मिनट में आपका ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए आप इसे टमाटो केचप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हरी चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी गर्मा गर्म पनीर पकौड़े की रेसिपी को इसे सर्व करें और अपने फैमिली को भी खिलाएं। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखिए इसका अंदर का ये पनीर का जो सॉफ्टनेस है, ये देखिए ये हमारा अपने घर का फ्रेश पनीर है फ्रेंड्स। आप चाहे तो बाज़ार के पनीर से भी इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही खाने में मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, ऊपर से क्रंची भी है फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।